लेकिन तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रेड ड्रैगन का शिवा गेमिंग कीबोर्ड। इसका जो मॉडल नंबर है K512 है, ब्लैक कलर और आरजीबी लाइट के साथ ये आता है। और इसकी जो प्राइस है 4200 की प्राइस टैग में ये आपको मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग में बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का, डिज़ाइन का, और साथ में आरजीबी लाइट इफेक्ट्स भी चेक करेंगे इसी वीडियो में। और मैं रेकमेंड भी करूंगा कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद ये आपको अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा अमजद भाई का, और उनकी शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया। ओके दोस्तों, तो बॉक्स के फ्रंट पे मिल जाता है लोगो रेड ड्रैगन का। यहाँ पर जो है कीबोर्ड का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि इस टाइप का। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्पीड मिल रही है, हाई कंट्रोल मिल रहा है और हाई रिस्पांस मिल रहा है। और शिवा गेमिंग कीबोर्ड नेम मिल जाता है। ओके तो बैक पे मिल जाता है रेड ड्रैगन का नेम और यहाँ पर डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पर जो इसकी क्वालिटीज़ हैं, 6 ऑन बोर्ड माइक्रो बटन्स मिल रहे हैं, आरजीबी बैक लाइटिंग का मिल रहा है और कम्फर्टेबल हैंड रेस्ट मिल रहा है, 8 मल्टीमीडिया कीज़ मिल रही है और सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिल रहा है प्रोफेशनल गेमर्स के लिए। फीचर में आ जाते हैं, फीचर में भी कुछ इसी टाइप का ही बताया हुआ है, जैसे कि आरजीबी गेमिंग कीबोर्ड मिल रहे हैं, 6 ऑन बोर्ड माइक्रो कीज मिल रही है और विद हैंड रेस्ट मिल रहा है, साथ में 26 एंटी घोस्ट कीज मिल रही है, 6 ऑन बोर्ड माइक्रो बटन्स मिल रहे हैं, 8 मल्टीमीडिया कीज मिल रही है और ट्रू आरजीबी बैक लाइटनिंग मिल रही है, क्विट एंड मीडिया प्रोफाइल कंट्रोल मिल रहा है, कंफर्टेबल हैंड रेस्ट मिल रहा है और सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल गेमर्स के लिए सॉफ्टवेयर मिल रहा है। और यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाता है, सीरियल नंबर मिल जाता है और जो सपोर्ट है डिवाइस का विंडो 7 से और विंडो XP विंडो 10 तक ये सपोर्ट करता है, विद आईफोन के लिए भी इन्होंने बताया हुआ है। तो चलिए फिर इसको जो है अनबॉक्स करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जो डिज़ाइन है और क्वालिटी है उसका मैं आपको बताता हूँ। ओके तो यहाँ पर जो है एक स्टिकर मिल जाता है रेड ड्रैगन का जो कि इस टाइप का, और यहाँ पर यूजिंग गाइड बुक मिल जाती है और यहाँ पर जो है हैंड रेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ओके तो ये हैंड रेस्ट है और ये काफ़ी प्यारा हैंड रेस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर जो है मैग्नेट लगे हुए और यहाँ पर जाके ये चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से ये स्टिक हो जाएगा। ओके तो यहाँ पर जो है ना ये हैंड रेस्ट ये सॉलिड प्लास्टिक मिल रहा है, अच्छा प्लास्टिक है, जल्दी टूटने वाला ख़राब होने वाला भी नहीं है और यहाँ पर रबड़ दी हुई है, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा और सॉलिड दिया हुआ है इन्होंने ये हैंड रेस्ट और काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर जो है मैं कीबोर्ड की बात कर लेता हूँ तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं मैं कह सकता, ठीक है, लेकिन ये है कि गेमिंग कीबोर्ड है, नॉर्मल जो होते हैं गेमिंग कीबोर्ड वैसे से, क्योंकि इसकी जो की साउंड है ये वैसे सी नहीं है जैसे मैकेनिकल की साउंड होती है, लेकिन ये है कि ये जो है ना फाइबर के जो है ना वहाँ पर ये जो लाइटनिंग है ये फाइबर टाइप बनी हुई है, तो जो वाइट कलर की होती है उसके अंदर से जो लाइटनिंग होती है वो शो करता है, ठीक है। तो ये भी मैं लाइट वगैरह भी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है, ये आप लोग देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं ना उनके ये चीज़ नहीं होती है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह कि इस प्राइस टैग के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ दे रहे हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर तो इस प्राइस इसकी प्राइस टैग देखी जाए तो इसके प्राइस टैग के हिसाब से ना काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है और ठीक है, क्वालिटी वाइज भी ठीक है, नॉर्मल है, इतना भारी नहीं है, लेकिन यह कि नॉर्मल क्वालिटी वाइज है, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और जो वायर क्वालिटी है ब्राइडेड केबल मिल रही है, फिल्टर के साथ मिल रही है और गोल्ड प्लेटेड कलर मिल रहा है, तो ब्राइडेड का जो है ना वायर वो वैसे ही अच्छी होती है, वैसे भी ये कंपनी जो है अपनी वायर क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी रखते हैं, तो नो डाउट इसमें। तो यहाँ पर जो है ना मैं फिर इसको ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जो लाइटनिंग इफ़ेक्ट है वो कैसे मिल रही है और फिर मैं की साउंड भी आपको सुनाता हूँ।
ओके दोस्तों, तो मैंने इसको ऑन कर लिया और मैं जो है ना अपना कैमरा वो पास कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। ओके, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि इसकी जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है वो इस टाइप की है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स है। जो इसके जो ये फ्रेम मिल रहा है ना, जो लाइटिंग इफेक्ट का फाइबर टाइप जो दिया हुआ है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छी जो लाइट है वो ग्लो करता है, वो काफ़ी अच्छी जो है ना लाइट RGB लाइट है वो इफेक्टिंग काफ़ी करता है, इफ़ेक्टिव है काफ़ी ना। तो जो इसकी जो लाइटिंग इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स दे रहा है। जो इसका जो ये वाइट कलर का जो फाइबर और फाइबर के टाइप लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा जो है ना, जो RGB लाइट के इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे ग्लो करता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और ये आप लोग भी देख सकते हैं कि इसके जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो कैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मैं आपको इसके इफ़ेक्ट्स है वो मैं दिखा देता हूँ वन बाय वन। तो FN1 दबाता हूँ, 2, 3, 4, यहाँ पर FN से कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं डिलीट से दबाता हूँ, ओके डिलीट से चेंज होगा, ठीक हो गया, जो फर्स्ट बटन है मेरा। ओके, यहाँ पर इस टाइप से ये चेंज करेगा। ओके, मैं अगेन दबाता हूँ, ओके ये वाला जो है ना मूड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, ये आप लोग देख भी सकते हैं। ओके, मैं फिर दबाता हूँ, ओके आई थिंक 2 बटन दिए हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 2 मोड दिए हैं डिलीट बटन पे, और इंसर्ट पे दबाता हूँ। ओके, तो अभी ये 1 कलर शो कर रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है कि 1 कलर पूरे कीबोर्ड में शो करेगा 1 बाय 1। तो ये भी रेड कलर, आई थिंक स्टिल जो है ना, स्टिल करने के लिए वो आपको लोगों को ना सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इसकी वेबसाइट से। तो मैं अगेन से दबाता हूँ, ओके यहाँ पर जो है एक ही कलर जो है एक ही मोड मिल रहा है इंसर्ट बटन पे। फिर मैं दबाता हूँ होम पे, ओके होम पे जो है ये स्टिल कलर हो गया। ओके, तो येलो कलर है ये स्टिल मिल रहा है होम बटन से। ओके, ये भी ग्रीन कलर है ये भी स्टिल मिल रहा है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है, क्योंकि ये अभी पूरा ग्रीन कलर है। ये आप लोग देख भी सकते हैं कि ये इसका जो है ना लाइट इफ़ेक्ट्स है वो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फिर से दबाता हूँ होम बटन, ओके तो ये ब्लू कलर आ गया। तो ये ब्लू कलर भी आप लोग देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नो डाउट। इसमें 1 कलर भी इसका जो है ना फंक्शन है, ये काफ़ी अच्छा मूड दिया हुआ है 1 कलर का। ओके, फिर मैं दबाता हूँ, ओके तो ये पर्पल कलर आ गया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, मैं अगेन से करता हूँ, ओके ये पिंक कलर है, और अगेन से करता हूँ, ओके तो ये वाइट कलर आ गया, ये वाइट कलर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है। ओके, मैं अगेन से करता हूँ, ओके तो ये रेड कलर आ गया, रेड कलर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहा है। ओके, मैं अगेन करता हूँ, ओके बस यही 4-5 चीज़ों ने इस होम बटन में मूड दिए हैं। तो मैं पेज अप का बटन दबाता हूँ, ओके पेज अप के बटन से ये ऑफ हो जाता है। ओके, तो पेज डाउन से ना ये वाला है, जो जो भी मैं वो करूँगा तो ये वहाँ पूरा जो है ना लाइट शो करेगा, ये जो भी बटन दबाऊंगा वहीं से। ओके, मैं FN और पेज डाउन का बटन दबाता हूँ, ओके तो एक ही है इसमें मूड, इतना ज़्यादा मूड नहीं है, एक ही मूड दिया हुआ है। तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा है ना वो होम बटन ही लगा है, होम बटन में ना जो 1 कलर मिल रहे हैं, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। तो मैं इसकी जो है साउंड की सुना देता हूँ, ठीक है दोस्तों, इसकी जो साउंड की है वो इस टाइप की मिल रही है। तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड तो नहीं है, ये सिर्फ गेमिंग कीबोर्ड है, क्योंकि इसकी जो है ना साउंड है, जो मैकेनिकल की साउंड जो होती है वैसी नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने लिखा भी नहीं हुआ कहीं पे, बॉक्स पे भी नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, लेकिन ये है कि ये सिर्फ गेमिंग कीबोर्ड है। और इसमें एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया, तो ये मैं आप लोगों को बॉक्स पे दिखा देता हूँ कि इसके जो वेट है,
वो आप लोग रीड कर लेना खुद ही, ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके। तो ये वेट, लेंथ वगैरह, हाइट वगैरह ये दी हुई है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगा ये कीबोर्ड? मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो ये प्राइस टैग के हिसाब से भी अच्छी चीज़ मिल रही है, हैंड रेस्ट मिल रहा है, जो कि ये वाला हैंड रेस्ट है आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और इसके जो लाइट इफेक्ट्स है ये भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। बस मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, बस गेमिंग कीबोर्ड मिल रहा है, और इस प्राइस टैग के हिसाब से अच्छी चीज़ दे रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, और वेट 1 किलो के करीब है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि इसका जो वेट साइज़ वगैरह है वो आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, रेकमेंड भी कर रहा हूँ आप लोगों के कि अगर तो आपने लेना है कोई कीबोर्ड, गेमिंग नॉर्मल कीबोर्ड लेना है, तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल में और हाई लेवल के मिड में आ जाता है, ठीक है, ये वाला कीबोर्ड। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। अगर तो ये आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो अगर तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।